दोस्तों, क्या आपको पता है इस दुनिया की भी एक छत है? आप शायद उसे आसमान समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया की छत असल में तिब्बत को कहा जाता है, क्योंकि तिब्बत हिमालयन रेंज की उन ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में आता है जिसमें दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां शामिल है, जिसमें आस्था और अध्यात्म का प्रतीक रहस्यमय कैलाश पर्वत भी है। तिब्बत के विषय में आपको ये बता दूं कि ये चीन का ऑटोनोमस यानी स्वायत्त क्षेत्र है। वैसे तो तिब्बत भारत के अलावा पश्चिम में नेपाल, दक्षिण पश्चिम में बर्मा और दक्षिण पूर्व में भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इतने सारे देशों के साथ सीमा साझा करने के बावजूद तिब्बत के ऊपर से कोई प्लेन नहीं गुजरता? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसी कौन-कौन सी वजहें हैं जिसके कारण तिब्बत में हवाई यात्राएं संभव नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। टोपोग्राफी। दोस्तों, टोपोग्राफी का मतलब होता है किसी स्थान की प्राकृतिक विशेषताएं, जैसे नदी या पहाड़। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि तिब्बत दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, और यही कारण है कि इसे रूफ ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं। इतने घने और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में प्लेन को उड़ा पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर पायलट ने अपना जरा सा भी ध्यान हटा लिया तो प्लेन किसी पर्वत से टकराकर क्रैश हो जाएगा। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, इसलिए यहाँ पायलट प्लेन उड़ाने से कतराते हैं। एलिवेशन। दोस्तों, दुनिया की सारी व्यवसायिक प्लेन 28,000 से 35,000 फीट की ऊंचाई तक ही उड़ सकती हैं, यानी कि उनके उड़ने की मैक्सिमम लिमिट माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी कम है। वहीं तिब्बत रेंज में पहाड़ों की औसतन ऊंचाई 20,000 फीट होती है और कुछ 25,000 से 28,000 के बीच के भी पहाड़ होते हैं। तिब्बती पठार दुनिया में सबसे ऊंचा है और ये महान हिमालय का घर है। एवरेस्ट 8,850 मीटर, कंचनजंगा 8,586 मीटर, माउंट कैलाश 6,638 मीटर, मकालू 8,481 मीटर जैसे विशाल पर्वत तिब्बती भूमि के हिस्से में ही हैं। ये जानकारी आपको इस समझने में मदद करती है कि कोई विमान तिब्बत पर उड़ान भरने के लिए क्यों नहीं चुने जाते हैं। इमरजेंसी लैंडिंग। दोस्तों, आपको ये बात तो पता ही होगी कि कभी कभी कुछ विपरीत परिस्थितियों में हवाई जहाज की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है। इमरजेंसी लैंडिंग के लिए एक ऐसी जगह की जरूरत होती है जहां जमीन सपाट हो और वहां जहाज को आसानी से उतारा जा सके। लेकिन इमरजेंसी में तिब्बत के पठारी क्षेत्र में सपाट जमीन का मिलना लगभग नामुमकिन सा ही है, और ऐसी परिस्थिति में पायलट प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग नहीं करा पाते। ऐसे में इमरजेंसी लैंडिंग की समस्या भी तिब्बत में प्लेन के न उड़ पाने की मुख्य समस्याओं में से एक है। टर्बुलेंस प्रॉब्लम। दोस्तों, हम जैसे जैसे धरती की सतह से ऊपर उठते जाते हैं, वैसे वैसे वातावरण में हवा कम होने लगती है। हवा कम होने का मतलब वातावरण से ऑक्सीजन की मात्रा घटना है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हवा का दबाव भी बढ़ने लगता है, और एयर प्रेशर बढ़ने के कारण उस ऊंचाई पर उड़ने वाला प्लेन अपना बैलेंस खोने लगता है। ऐसे में इंजन भी दबाव के कारण बैठ जाते हैं, प्लेन के विंग्स में आग लग जाती है और प्लेन क्रैश हो जाता है। चूंकि तिब्बत की ऊंचाई के कारण वहां हाई एयर प्रेशर बहुत नॉर्मल बात है, इस वजह से जहाजों में टर्बुलेंस की समस्या बढ़ जाती है और साथ ही साथ एक्सीडेंट की संभावना भी। ड्रिफ्ट डाउन प्रोसीजर। इतनी ऊंचाई से उड़ने वाले प्लेन के साथ एक समस्या ये भी आती है कि वो अपने साथ सिर्फ 20 मिनट तक का ही ऑक्सीजन रख सकते हैं, और इमरजेंसी के समय इतने कम ऑक्सीजन में बड़ी संख्या में लोगों की जान बचा पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसी हाई प्रेशर के कारण कैबिन का प्रेशर खत्म हो जाता है और उसे बैलेंस करने की कोशिश में इंजन ज्यादा थ्रस्ट लगाने लगता है। इस एक्स्ट्रा थ्रस्ट का रिजल्ट ये होता है कि प्लेन का कोई एक इंजन फेल हो जाता है। ऐसे स्थिति में इतनी ऊंचाई पर प्लेन नहीं उड़ाया जा सकता है, इसलिए प्लेन को ड्रिफ्ट डाउन करके थोड़ा नीचे लाना पड़ता है, जहां थोड़े कम एल्टीट्यूड पर बाकी के इंजन ठीक से काम करने लगते हैं। लेकिन तिब्बत में ड्रिफ्ट डाउन करने की संभावना बहुत कम होती है। पायलट जैसे ही प्लेन को नीचे लाने की कोशिश में ड्रिफ्ट डाउन करेगा तो ये संभव है कि प्लेन किसी पहाड़ से टकराकर क्रैश हो जाएगा। इंडो चाइना रिलेशनशिप। दोस्तों, जैसे कि आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि तिब्बत चीन के हिस्से में आता है और उसकी सीमाएं भारत के साथ भी लगी हुई हैं।
तो इस बात से ये समझा जा सकता है कि तिब्बत से गुजरने वाले हर प्लेन में इन दोनों देशों के दखल संभव है। क्योंकि इन दोनों देशों के रिश्ते एक दूसरे से ठीक नहीं है और आए दिन दोनों देशों के बीच झड़प और सीज फायर का उल्लंघन होता रहता है। ये भी एक कारण है कि तिब्बत से होकर प्लेन या तो नहीं गुजरते या बहुत कम गुजरते हैं। दोस्तों, ये थे वो सारे मुख्य कारण जिसकी वजह से दुनिया की कोई भी एयरलाइन कंपनी तिब्बत के आसमान में प्लेन उड़ाने से हिचकती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि तिब्बत रेंज में बिल्कुल भी प्लेन या एयरक्राफ्ट नहीं उड़ते। पूरे तिब्बत रेंज में अब तक कुल 5 एयरपोर्ट बने हुए हैं और इन एयरपोर्ट्स की खास बात यह है कि ये दुनिया के सबसे ऊंचाई पर बने हुए एयरपोर्ट हैं। तो आपको क्या लगता है, वाकई में तिब्बत के ऊपर से प्लेन उड़ाना खतरनाक हो सकता है या नहीं? अपने राय कमेंट के जरिए हमारे साथ शेयर जरूर करना और अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।